आज हम बनाने वाले हैं शाम की चाय के साथ खाने वाले चावल से बने नमकीन करारे कुरकुरे। इन कुरकुरे का टेस्ट अमेजिंग होता है, तो चलिए चावल के कुरकुरे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। चावल के नमकीन कुरकुरे बनाने के लिए आप ये मोटे चावल भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से ये लंबे चावल भी ले सकते हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में डालकर महीन आटा बना लेंगे। इसका ये मैंने चावल का आटा बना लिया है, इसे मैंने छान लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और ये काले तिल। अब हम इस आटे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम आटे को मसालों के साथ 5 मिनट तक भूनेंगे। चावल के आटे को भूनकर कुरकुरे बनाने से बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर टेस्ट आएगा। मैंने आटे को 5 मिनट भून लिया है, गैस को बंद कर देंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस आटे में ये गर्म पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। हल्दी ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हाथों से इसे मसल कर तैयार करेंगे। आटा ठंडा हो गया है, अब हम इसे हाथों से गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इससे ही हाथों में चिपकेगा नहीं। ये डो तैयार है। इसे हम गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए। अब हम इसके पतले लंबे स्टिक बना लेंगे। इस तरह से आटा को छोटा छोटा तोड़ लेंगे। ये हम एक लोई ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और इसे लंबी स्टिक में कर लेंगे। आप इसे बड़ी भी कर सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारे स्टिक बना लिए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ऑयल मीडियम हॉट है, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें स्टिक फ्राई कर लेंगे। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे।
आवाज सुन रहे हैं आप लोग कितने क्रंची बने हैं। ये मैंने सारे कुरकुरे फ्राई कर लिए हैं, अब इनके ऊपर कोट करने के लिए एक मसाला बना लेंगे। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, ये नमक, एक छोटी चम्मच पुदीना पाउडर और एक छोटी चम्मच काला नमक। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। तैयार है कुरकुरे, मसाला अच्छे से कोट हो गया है। हम इसके साथ खाने के लिए एक डिप तैयार कर लेंगे। ये मैंने हंग कर्ड लिया है, इसमें हम ये सूखा हुआ पुदीना पाउडर, काला नमक, ये थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और ये ग्रेट किया हुआ लहसुन है, इसे भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये डिप तैयार है, अब हम कुरकुरों को प्लेट कर लेंगे। ये देखिए चावल के सुपर क्रंची कुरकुरे बनकर तैयार हैं। इन टेस्टी टेस्टी कुरकुरों को इस डिप के साथ या चाय के साथ एंजॉय जरूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।